चलिए तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने आज हमारी टीम पहुंची सूरजपुर जिले में आने वाली प्रेमनगर विधानसभा। फिलहाल यहां कांग्रेस का कब्जा है और खेल साय सिंह यहां से विधायक है। उनके पिछले कार्यकाल की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस विधानसभा क्षेत्र की आज भी जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती नजर आते हैं। वहीं भ्रष्टाचार भी यहां बड़ी समस्या है। इसके अलावा सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा भी आने वाले चुनाव में गूंजना तय है। चुनावी साल है तो इन मुद्दों को लेकर अब सियासत भी तेज हो चली है। ये हैं कांग्रेस विधायक खेल साय सिंह, जिन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दो बार विधायक और कद्दावर नेता रेणुका सिंह को हराया। प्रेमनगर के लोगों को विश्वास था कि वो क्षेत्र का बेहतर विकास करेंगे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। ऊपर से कांग्रेस विधायक पर निष्क्रियता का आरोप जरूर लगा, विपक्ष तो इस काम में आगे था, अब कांग्रेस में भी उनकी सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। विधायक के काम, विकास के कार्य कई सारे अधूरे हैं, इनमें विधायक महोदय ने ध्यान नहीं दिया। विकास का विरोध हम नहीं करते, हम मुख्य रूप से हम ही लोग मांग कर रहे हैं ग्राम पंचायत बनाने का। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोयले की कमी है न पानी की, इसी को देखते हुए यहाँ एक पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सका। यहाँ की खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। आज भी यहाँ दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बारिश के दिनों में टापू बन जाते हैं, जबकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवाना यहाँ के लोगों की नियति बन चुका है। वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बड़ा सियासी मुद्दा बनकर गूंजना तय है। उम्मीदें, जैसे हमारे विकासखंड में कई ऐसे सुदूर ग्राम पंचायत है जो आज भी पहुंच विहीनता के अभिशाप से मुक्ति उनको नहीं मिल पाई है, जैसे सोहर गड़ई है, ठोट टिहाई है, बलदेव नगर है, इनमें पुल पुलियों की नितांत आवश्यकता थी। और हमारे 5 साल के कार्यकाल में विधायक होते हुए भी इन बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाए। सड़क के अलावा कई ठो हैंडपम्प जैसे पानी की भी सुविधा के लिए बोले थे कि भाई इस मोहल्ला में पानी नहीं है, आप जो वादा किए थे वादा भी नहीं पूरे हो पाए। न पानी के, रोड के व्यवस्था है, ना कहीं के व्यवस्था है। हम लोग को वादा किया गया था चुनाव से पहले कि दुकान जहाँ आप लोग को हटेगा तो दुकान आपको व्यवस्थित दिया जाएगा, लेकिन पिछले 7 महीना हो गया, 7 महीने में हम लोग को कहीं भी दुकान व्यवस्थित नहीं किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस विधायक का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए जो निर्माण कार्य करवा सकते हैं उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि विपक्ष का विधायक होने के नाते राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक जी बहानेबाजी कर रहे हैं और लोगों को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रोडों की बात है, तारा से कृष्णपुर तक का रोड हम लोगों ने बजट में डलवाया भी, और बाद में छत्तीसगढ़ सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से बजट में आया भी, लेकिन ये दूसरा सेकंड फेज में था। ये बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके इसको फर्स्ट फेज में चेंज करके आज काम चालू हो गया है। दिक्कत की बात है क्योंकि प्रसाद स्वीकृति तो वित्त मंत्रालय से होना है, और जिसे वित्त मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के है वहाँ तक पेपर पहुँचाए भी हमें कि कम से कम हो जाए तो कम जनता के हित में सड़क का पुलिया बन जाए, ये प्रयास है। अभी वर्तमान में जो क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता के कारण जो क्षेत्र में लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सूरजपुर जिले बनने के बाद हमारा जो सूरजपुर जिले का जिस गति से विकास होना था, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जब भी हमारे सूरजपुर जिला में यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मांग किया जाता है, निश्चित रूप से वो अभी देखिए विकास यात्रा के माध्यम से उन्होंने करोड़ों की घोषणाएं की, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता के कारण क्षेत्र की जनता जो परेशान है। प्रेमनगर, रामानुजनगर और सूरजपुर विकास खंड से मिलकर प्रेमनगर विधानसभा बनी है। यूं तो यहां मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा खुद विधायक ही बनते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में खेल साय सिंह के लिए इस बार प्रेमनगर की लड़ाई इतनी आसान नहीं रहने वाली। प्रेमनगर विधानसभा के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक नजर आते हैं, लेकिन यहाँ की खस्ताहाल सड़कें और पहुंचविहीन गांव लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। जमीन अधिग्रहण के बाद भी पावर प्लांट की स्थापना न हो पाना यहाँ के लोगों की उदासी का कारण है, और साथ ही ये वो पहली जगह है जहाँ नगर पंचायत को वापस ग्राम पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। अजय सोनी और कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, प्रेमनगर। तो
प्रेमनगर विधानसभा के सियासी समीकरण की बात की जाए तो अभी तक यहां एक उपचुनाव समेत कुल 12 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें से 7 बार बीजेपी तो 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है। प्रेमनगर को परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस बीच बीच में यहां बीजेपी के चुनावी रथ को रोकती रही है। परिसीमन के बाद यहां के सियासी फिजा में बदलाव आया, लेकिन जातिगत समीकरण अभी भी यहां के चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूरजपुर से अलग होकर बनी प्रेमनगर विधानसभा 1967 में जब पहली बार अस्तित्व में आई तब ये सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी। 2008 में परिसीमन के बाद इसे सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। प्रेमनगर के सियासी इतिहास की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमेशा ही कड़ी टक्कर रही है। 1967 में सीट पर जनसंघ के सहदेव सिंह ने कब्जा जमाया। 1972 में जनसंघ ने अपना कब्जा बरकरार रखा और भुवनेश्वर सिंह यहां से चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फिर से यहां सहदेव सिंह जीते। 1980 में कांग्रेस के चंदन सिंह ने इस सीट पर फतह हासिल की। 1985 में बीजेपी के तुलेश्वर सिंह ने यह सीट कांग्रेस से फिर छीन ली। 1990 में यह सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आ गई और खेलसाय सिंह विधायक चुने गए। 1993 में तुलेश्वर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1998 में तुलेश्वर सिंह ने फिर अपनी सफलता दोहराई और यहां से जीत हासिल की। 2003 में बीजेपी की रेणुका सिंह ने तुलेश्वर सिंह को हैट्रिक बनाने से रोक दिया। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई, लेकिन बीजेपी ने अपनी एसटी उम्मीदवार रेणुका सिंह को रिपीट किया और उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 2013 में भी रेणुका सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें खेलसाय सिंह के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। इस चुनाव में कांग्रेस को जहां 77,318 वोट मिले, वहीं बीजेपी के खाते में 58,991 वोट गिरे। इस तरह जीत का अंतर 18,327 वोटों का रहा। सीट पर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहां 1,95,000 मतदाता हैं, जिनमें से 55 से 60% सामान्य हैं और 32% आदिवासी मतदाता हैं। इस तरह प्रेमनगर में आदिवासी वोटर हमेशा से ही एक बड़ा वोट बैंक रहे हैं। वहीं रजवार और साहू वोटर भी नतीजों को प्रभावित करते आए हैं। खेलसाय सिंह पिछले 4 दशक से कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा बने हुए हैं और उनकी यह पारी अभी और भी लंबी चलने की उम्मीद है। वहीं भाजपा के पास प्रत्याशियों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें मतदाताओं का नब्ज टटोलने में वक्त लग सकता है और प्रेमनगर विधानसभा सीट से भाजपा के लिए यही चिंता का विषय है। अजय सोनी और कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, प्रेमनगर। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र 2008 में सामान्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस इस सीट से लगातार आदिवासी चेहरों पर दांव लगाते आ रहे हैं। परिसीमन के पहले प्रेमनगर सूरजपुर विधानसभा का हिस्सा था और ये एक आदिवासी विधानसभा थी, लिहाजा यहाँ हमेशा ही आदिवासी नेताओं की चली है। आज भी यहाँ आदिवासी वोटर्स बड़ी सियासी ताकत है। यही वजह है कि इस बार भी यहाँ दोनों तरफ से कई आदिवासी नेता टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। सियासी महासमर 2018 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पैतरेबाजी भी जोर पकड़ने लगी है। सीट के सामान्य कोटे के होने के बावजूद यहां से एसटी विधायक हैं। 2013 में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने आदिवासी चेहरे पर दांव खेला। बीजेपी ने जहां रेणुका सिंह को रिपीट किया तो वहीं कांग्रेस ने खेलसाय सिंह को टिकट दिया।
इस चुनाव में खेल साय की छवि रेणुका सिंह के व्यक्तित्व पर भारी पड़ गई। अब जब चुनाव नजदीक है तो फिर से टिकट के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। कांग्रेस की बात करें तो मौजूदा विधायक खेल साय सिंह एक बार फिर मैदान में होंगे। हालांकि खेल साय सिंह के रिश्तेदार और वर्तमान में सूरजपुर जिले में BMO के पद पर सेवाएं दे रहे RS सिंह भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सूरजपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी सिंह का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल है। नहीं, कमी है उसको तो पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा, चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन जो भी क्षेत्र की जो कमी है उसे हमेशा पूरा करने का प्रयास पूरा रहेगा। अब आगे पार्टी है, पार्टी किसको लड़ाती है उसे देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और विश्वास मुझ पर जताती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उसके परिणाम भी आएंगे। कांग्रेस के लिए अच्छी है ये सीट। वर्तमान में जिस तरीके का BJP का शासनकाल रहा है उस स्थिति में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर है और लोग ये चाहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदलनी चाहिए और उस लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं कांग्रेस के पक्ष में। BJP के संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो 2013 में चुनाव हारने वाली रेणुका सिंह एक बार फिर टिकट के दौड़ में शामिल हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उनकी हार ने यहां कई नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दे दिया है। इसमें पूर्व जनपद अध्यक्ष और वर्तमान में BJP महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह भी शामिल है। खास बात यह है कि पुष्पा सिंह कांग्रेस विधायक खेल साय सिंह की रिश्तेदार भी लगती है। क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी में हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और एक महिला होने के नाते महिला मोर्चा की मुझे जो दायित्व तो मिला हुआ है, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष का संगठन ने मुझ पे जो दायित्व तो दिया है उसके माध्यम से मैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं को लेकर क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों तक पहुँच रही हूँ। संगठन या मेरी पार्टी मुझे ऐसा अवसर देती है तो निश्चित रूप से मैं जो आज दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ आगे भी संगठन हित में, क्योंकि हमारा सिंबल जो है सिर्फ कमल फूल है, भारतीय जनता पार्टी हमारा निशान है, हम उसी के आधार पे जो भी संगठन मुझे जवाब देगी, जो भी अवसर देगी उसमें मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगी। BJP के दूसरे दावेदारों की बात की जाए तो पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। भीमसेन इससे पहले 2013 में टिकट की दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त संगठन ने उनके नाम पर विचार नहीं किया था। चूंकि प्रेमनगर सामान्य सीट है इसलिए अब ये आवाज उठने लगी है कि यहाँ से सामान्य वर्ग को ही टिकट दिया जाए। यही वजह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल भी टिकट के लिए दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी यदि अवसर देती है तो निश्चित रूप से मैं अकेला नहीं जीतूंगा, सारे कार्यकर्ता ही जीतेंगे। कार्यकर्ता ही मिलजुल करके काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की ही प्रतिष्ठा के लिए वो होता है, जनता की सुविधाओं के लिए जो आदमी चुनाव लड़ता है वो सारी चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से विकास के लिए जन सुविधाओं के निर्माण के लिए इस जो चीज़ें भी करनी पड़ेंगी वो करेंगे स्वाभाविक। देखिए, मैं लंबे समय से उस प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता रहा हूं, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, और 1985 से मैं लगातार सक्रिय रहा हूं। और वहां एक मेरा क्षेत्र के लोगों के साथ पारिवारिक भाव है। मुझे अब की बार मैं ये चाहता हूं कि यदि अवसर मुझे मिलता है, पार्टी अवसर देती है, तो गांव के लोगों का जो विकास है, अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति है, कमज़ोर है, असहाय है, निसहाय है, जिसकी आज कोई मान लीजिए कई बार दिक्कत खड़ी है, ऐसे लोगों के बीच में मैं जाकर के काम करना चाहता हूँ। जाहिर है BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट दावेदारों के बीच टिकट पाने के लिए होड़ सी मची हुई है। प्रेमनगर में फिलहाल जिस तरह का सियासी माहौल है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि नेताओं का सियासत प्रेम प्रेमनगर में खूब तकरार मचाने वाला है। मनोज सिंह, IBC 24, प्रेमनगर। प्रेमनगर विधानसभा पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग इसे नगर पंचायत से वापस ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। ये बताता है कि यहाँ के लोगों में अपने विधायक को लेकर कितनी नाराजगी है, मौजूदा विधायक और अपनी समस्याओं के बारे में क्या कहती है क्षेत्र की जनता, आइए सुनते हैं। 5 साल के इस कार्यकाल में हमारे विधायक एकदम से निष्क्रिय रहे, क्षेत्र में उन्होंने कभी भी सघन दौरा नहीं किया, इसलिए समस्याएं जस की तस ही बनी रही।
प्रेमनगर विधायक माननीय खेल साय जी को जिस उम्मीद के साथ प्रेमनगर की जनता विधायक बनाकर यहाँ से भेजी थी, उसमें किसी भी प्रकार से खरे नहीं उतरे। ग्राम पंचायत बकीरमा चौक से वो बोले थे कि अटल चौक तक मतलब मेरे बनते ही मतलब इस रोड को पूरा बनवा दूंगा, पक्की सड़क बनवा दूंगा, वो आज तक नहीं बन पाए। आज ले हमर विधायक ला हम नहीं जानन का बस कब गई सम जानते नहीं हन काही चीज ला का बनाई का धरी सोतना ला कोई चीज ला हम नहीं जानन। हमर यहाँ सपना काही वो चुनाव घड़ी तो देखाई लेकिन फिर भी नहीं आया यहाँ ला और एक बार भी नहीं आई सही है कोई भी ईसन होते तो नहीं आई यहाँ। विकास कार्य तो हुआ है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। ये है कि सक्रिय कम थे, सक्रिय रहते तो और ज़्यादा होता। अच्छा ही था और आए हैं जब भी बुलाए हैं तो कोई ऐसा नहीं है। वैसे जैसा कैसी रही उनकी 5 सालों? ठीक थी, अच्छी थी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। विधायक महोदय तो सबसे पहली बात यह है कि विधायक महोदय तो पिछले 5 साल में एक बार भी सूरजपुर में नज़र नहीं आए हैं, है ना। और जो भी वादे किए गए हैं सभी झूठे गए हैं, कोई भी एक वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो प्रेमनगर विधानसभा के विधायक खेलसाय से पिछले 41 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में हैं। विधायक होने के साथ ही पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। विपक्ष के उनके स्वभाव को लेकर आलोचना के बारे में खेलसाय सिंह का कहना है कि वो विकास के मुद्दों पर ध्यान देते हैं और कौन क्या कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक खेलसाय सिंह ने से उनके कार्यकाल के बारे में खास बात की हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने। खेलसाय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और अब उनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो लगभग पूरा होने को है और साथ ही चुनाव भी आने वाले हैं। तो ये पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल इनके कैसे रहे, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन 5 वर्षों में इन्होंने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। सबसे समस्या प्रेमनगर ब्लॉक की रही है और पहुँच भी इन क्षेत्र बना हुआ था, जिससे मैं सबसे पहले मैं चाहता था कि वहाँ की जो समस्या है पहुँच विहीन जो क्षेत्र है उनको मैं कम से कम 12 मासी कर सकूं, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रयास किया। उसी तरह से कई रोडें हमारे विधानसभा में रोडे बने हुए थे जहां ठीक नहीं था उनको जोड़ने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया, यहां तक कि बजट में भी डलवाया हूं। तो बजट में आया हुआ है लेकिन अभी तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त तो नहीं हुई है। इस तरह से जो आवागमन के जो साधन हैं कहीं बने कहीं नहीं बन पाए, इस तरह की समस्या बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ओर से काफ़ी प्रयास भी किया कि हो, लेकिन चूंकि आज जान है विपक्ष में है इसलिए हो सकता है कि देरी हो। जी, आपके प्रेमनगर की बात करें तो प्रेमनगर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है लेकिन अब उसे वापस ग्राम पंचायत बनाने की मांग की जा रही है और इस मांग का समर्थन आप भी करते हैं। ये कहा जाता है कि ये विकास का विरोध करने जैसी बात है। नहीं, ऐसा अगर विरोध की बात होती तो वहाँ की जनता नहीं चाहती। वहाँ करीब करीब 80% जनता वहाँ की चाहती है कि वह ग्राम पंचायत बन जाए। सब लोग काफ़ी प्रयास किए, मैं भी प्रयास किया, माननीय महाराज सेफ्टिया सिंहदेव भी प्रयास किए। ये आरोप जरूर है कि आप जनता के हित के लिए जो मुद्दे हैं उनको उठाने में नाकामयाब रहे हैं, उनके हितों के लिए आप सड़क पर नहीं उतरते हैं, उनके हितों के लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब जैसा मैं अभी काम बताया इनको, मैं हमेशा पेपर में या कुछ और सब देता नहीं रहता हूँ, मेरा इतना जो काम हो रहा है बस इतनी रहता है, मैं उसको एडवर्टाइज और इस तरफ नहीं करता हूँ, बाकी प्रयास करता रहता हूँ। पूर्व जो यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका आरोप है कि खेलसाय सिंह जो शासकीय योजनाएं हैं जो सरकार लगातार योजनाएं बनाकर ग्रामीणों को दे रही है उसको वो ये बताते हैं कि हम अपने प्रयासों से लेके आए हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो जानबूझ के प्रचारित की जा रही हैं या वाकई में आपने मेहनत की है? नहीं, अब शासन की नीति है उसको कोई बोले कि हमारे तो गलत है रहने के लिए, शासन उन्हीं का नहीं कि हम सबका शासन होता है, कभी कांग्रेस सरकार की कांग्रेस की सरकार होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है, जो नीति है जो वो तो सभी के लिए उसमें कोई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है खेलसाय सिंह जो लगातार अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं।
साफ आरोप है इनका कि शासन की योजनाएं तो हैं लेकिन ये योजनाएं जो हैं वो क्षेत्र की जनता के पैसों से ही चल रही हैं और इसमें सरकार को क्रेडिट देना गलत बात है। इस तरह के आरोपों के साथ आने वाले चुनाव में वो उतरने की बात करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर पार्टी ने उनको मौका दिया तो जो कुछ कार्य अधूरे रह गए थे इस कार्यकाल में उसको भी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर पार्टी ने मौका नहीं भी दिया तो भी जो बातें उन्होंने पिछले कार्यकाल में जनता से की थी उसको लेकर लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। मनोज सिंह, IBC 24, प्रेमनगर। और अब बात मूड मीटर की। प्रेमनगर विधानसभा के लोगों से विधायक के कामकाज के तौर तरीके और राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े कुछ सवाल हमने पूछे। इन्हीं के जवाब के आधार पर हमने एक मूड मीटर तैयार किया जो ये बता रहा है कि इस विधानसभा के विधायक की स्थिति आने वाले चुनाव में कैसी होगी। हमने इस मूड मीटर के 3 रंगों के जरिए विधायक की स्थिति को बताने का प्रयास किया। यदि मूड मीटर लाल रंग को दर्शाता है तो समझिए विधायक खतरे में। यदि कांटा पीले रंग पर आए तो समझिए विधायक को मेहनत करनी है। और यदि कांटा हरे रंग को दर्शाता है तो समझिए कि विधायक अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीत भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है मूड मीटर। तो हमारा मूड मीटर लाल रंग को दर्शा रहा है, यानी कि यदि आज चुनाव हो जाते हैं तो जो सिटिंग विधायक हैं, एमएलए हैं, वो चुनाव हार सकते हैं। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।